नमस्कार, ज्योतिष इंद्राणी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको फाइव साइन के बारे में बता रही हूँ जो कि आपको इंडिकेट करता है कि आप बहुत रिच व्यक्ति के श्रेणी में आते हैं। आपको मल्टीपल घर होगा, आपको हर वो सुख साधन होगा जो आप डिजर्व करते हो, है ना। यानी कि धन योग, अमीर धनवान योग, जितने भी आज के नीड है ना लाइफ में, वो सारे योग अगर आपको हथेली में इस प्रकार से कुछ चिन्ह कुछ साइन दिखे तो आपको मिलेगी। तो हम लोग पांच साइन के बारे में बात करेंगे, टू दी पॉइंट बात करेंगे। देखिए, फाइव साइन। सबसे पहली बात देखिए, मैं बार बार हर वीडियो में शायद नहीं बता पाऊंगी कि कोई भी चीज अगर आप देखें, सबसे पहले उसकी नींव देखनी जरूरी होती है ना। तो नींव देखने के लिए आपको क्या देखना है कि आपकी पाम जो है ना बहुत अच्छी हो। अच्छी करने का मतलब क्या, माउंट उभार लिए हुए हो, कलर पिंक हो। पिंक कलर बेस्ट कलर बोला जाता है, माँ लक्ष्मी का कलर भी गुलाबी होता है, पिंक कलर दी बेस्ट बोला जाता है धन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं धन के बारे में ही बात करने जा रही हूँ आपको, तो आपको ये देखना है, ठीक है। ये पाम का जो माउंट है सारे उभरे हुए होनी चाहिए, कलर पिंक होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं भाग्य रेखा पे। कभी भी आपको त्रिकोण दिखे भाग्य रेखा पे, तो देखिए भाग्य रेखा क्या है, इसको हम लोग लक लाइन बोलते हैं ना। यहाँ पे जो होता है ये लक लाइन आपके चंद्र माउंट से भी निकल सकता है, ये लक लाइन आपके केतु माउंट से भी निकल सकता है, ये लक लाइन आपको आपके जीवन रेखा से भी निकल सकता है ना, कहीं से भी निकल सकता है, राहु माउंट से भी निकल सकता है। ये एरिया जो होता है राहु माउंट का, आपको देखना कहा है कि ट्रायंगल कहाँ पे त्रिकोण बन रहा है, आपको ये देखना है। देखिए यूं इस प्रकार से, ये मस्तिष्क रेखा है, ये जीवन रेखा है ना, इस प्रकार से। तो यहाँ पे आपको ट्रायंगल कभी भी दिखे, ये एरिया जो है ना, आप जब इसको पढ़ेंगे बुक में तो ये एरिया हर जगह नहीं बोला गया है ये एरिया राहु का होता है। एक्चुअली में क्या, राहु केतु को तो ग्रह मानते ही नहीं है, वो छाया ग्रह बोले जाते हैं, तो उसकी गणना नहीं की जाती है। बट अगर आपको राहु केतु को छोड़ दे तो ये जो एरिया है, ये एरिया आपका मंगल का क्षेत्र आता है। और मंगल पे ट्रायंगल होने का मतलब ही होता है कि प्रॉपर्टी, धन। देखिए मेरे वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट भी करते हो कि मैम मेरे हाथ में है बट मुझे उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की आप बता रहे हो। तो मैं आपको बता दूं कि मैं जिस लेवल की बताती हूँ उस लेवल की मैंने देखा है। पाम का एनालिसिस करने के बाद ही मैं आप लोगों से ये बात को डिस्कस करती हूँ, आप लोगों से शेयर करती हूँ कि अगर इस तरह से हो, उसमें भी एक दो पाम को देख के नहीं, मल्टीपल पाम जब देखने के बाद वो चीज़ आता है सामने, तभी मैं आपसे बोलती हूँ, इतना कॉन्फिडेंटली बोल रही हूँ। तो आपको क्या देखना है, क्या होता है ना, कुंडली पे तो आप लोग विश्वास करते हो, चलो आप लोग, कुछ लोग बोलते हैं हम पामिस्ट्री मानते नहीं, बल्कि आपको मानना चाहिए पामिस्ट्री। ये जो है ना हाथ की रेखाएं बिल्कुल आपके दिमाग का दर्पण है, तो इसलिए मानना चाहिए, आपकी मर्जी मानो या ना मानो। बट यहाँ पे ये होता है ना, जिस प्रकार से कुंडली में आप देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े राजयोग होते हैं, लेकिन फिर भी वो राजयोग नहीं फलीभूत होता है। क्यों नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं भंग हो रहा होता है ना वो राजयोग। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे आप ट्रायंगल तो देख लिया आपने, तो ट्रायंगल देख के आपने तो बोला क्या कि वाह मेरे हाथ में ट्रायंगल है, लेकिन प्रॉपर्टी नहीं है। यही सर्च करना है। देखिए एक्सपर्टी बहुत बड़ी चीज़ होती है, एक तो हाथ की रेखाएँ को देख के आप नहीं कह सकते हैं कि मुझे पामिस्ट्री देखने आ गया है, मुझे पाम देखने आ गया। यही चीज़ तो देखना होता है माइनस प्लस कैलकुलेशन करके कि इसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस पर कभी भी आपको क्रॉस दिखे, निगेटिव साइन दिखे, तो ये फल नहीं मिलेगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर ट्रायंगल हो, ठीक है, तो व्यक्ति को दूसरों का भी सहयोग मिलता है बहुत ज़्यादा, और लाइफ में दूसरे के सहयोग से ही आगे बढ़ते हैं ऐसे लोग, और दूसरा का सहयोग करते भी हैं ये लोग। ऐसा नहीं कि दूसरे का सहयोग नहीं करते हैं, दूसरे लोगों का सहयोग भी करते हैं। बस आपको यही देखना है, ये ट्रायंगल निर्दोष होनी चाहिए, इस पे किसी भी प्रकार की दोष ना हो। अगर दोष हुआ तो फिर ये ट्रायंगल नहीं अपना फल देगा, कम कर देगा अपना फल में। तो ये चीज़ आपको देखना है। और ऐसे लोगों को मल्टीपल प्रॉपर्टी होता है, और खास करके इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, 33 इयर्स के बाद इनको अपना मकान का सुख होना ही होना है। अगर आपको इस एरिया में निर्दोष ट्रायंगल हो, चाहे किसी भी रूप में हो, ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान जरूर दीजिएगा। और देखिए दूसरा साइन जो होता है शुक्र, शुक्र यहाँ पे पाया जाता है, शुक्र का एरिया। शुक्र जो है ना हमारे लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि शुक्र से ही जितनी भी अच्छी चीज़ें जो कि हमारे आँखों को बहुत प्यारी लगती है, ब्यूटी, कम्फर्टेबल, लग्जरी, जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं ना, सारे शुक्रदेव से ही आते हैं, शुक्र से ही आते हैं। तो आपको देखना है शुक्र माउंट को, शुक्र माउंट ये माउंट रहा आपका, है ना। इस पर कुछ लाइन मैं बता रही हूँ आपको, अगर वो लाइन है
तो आपको संपत्ति की तो कभी कमी नहीं होगी, ये तो गारंटी है। कौन सी लाइन होनी चाहिए, चीजों को बारीक तरीके से देखना और पकड़ना होता है। यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए, ये जो है ना, इस पे इस तरह से लाइन है। अब देखिए इस लाइन में क्या मिस्टेक आप लोग करेंगे, मैं बताती हूँ। ये लाइन क्या करेगा, इसको टच कर रहा है, इसको क्रॉस कर रहा है। आप बोलेंगे कि ये फल गलत है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। अगर आप चीज़ों को सही से समझेंगे तभी उस चीज़ को आप सही सही रिजल्ट आपके सामने दिखेगा। तो अगर मान लीजिए इस प्रकार से है, रेखाएं सिर्फ यहाँ टच नहीं किए हुए है, सिर्फ यहीं तक है, तो इसका मतलब है ऐसे लोगों की लाइफ में कंफर्टेबल लाइफ होते हैं। हर वो लग्जरी का सामान इनके लाइफ में रहेगा जो वो चाहेंगे, ड्रीम और डिजायर दोनों पूरा होता है ऐसे लोगों का। और संपत्ति की तो कभी कमी होती ही नहीं है, सारी भौतिक सुख सुविधाएँ होती है, वही चीज़ है ना, बस आपको देखना इस पर निगेटिव ना हो। अब देखिए यहाँ पे अगर ये टच करेगा तो क्या होगा, अगर आपके लाइफ लाइन में टच कर गया तो समझ लीजिए ये शुक्र ही आपको प्रॉब्लम देगा। अब शुक्र प्रॉब्लम क्या देगा, आप चाहेंगे बड़ी गाड़ी नहीं हो पाएगा, मतलब आपकी चाहत ही नहीं पूरी होगी, आप चाहेंगे सुंदर लड़की सुंदर लड़का, मतलब मन के अकॉर्डिंग लड़का लड़की, वो नहीं मिल पाएगा। आप चाहेंगे कंफर्टेबल लाइफ, नहीं हो पाएगा। सपोज आपने घर भी बना लिया, मंगल का सपोर्ट बहुत अच्छा है, आपने घर बहुत अच्छा बना लिया, लेकिन उस घर में रहने का सुख आपको नहीं मिल पाएगा। यानी कि आप छोटी से छोटी चीज़ों का सुख का अगर अनुभव कर रहे हैं, आपके लाइफ में प्लेजर है, आपके लाइफ में हैप्पीनेस है, तो इट मीन्स आपका कहीं ना कहीं शुक्र अच्छा है। कोई व्यक्ति बहुत कम एसेट में, बहुत कम जगहों पे, बहुत कम चीज़ों का उपभोग करके बहुत खुश रहते हैं। कोई व्यक्ति को सारा कुछ है लेकिन देखेंगे वो हमेशा रोना रोता रहता है, तो कहीं ना कहीं उसका शुक्र डिस्टर्ब होता है। शुक्र जो होता है ना, व्यक्ति को बहुत अट्रैक्टिव बनाता है, फिजिकल लेवल पे भी, मेंटल लेवल पे भी, हर लेवल पे, मतलब सोशल लेवल आप कह लीजिए, फिनेंशियल लेवल, हर लेवल पे व्यक्ति को सुखी बनाता है। तो शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शुक्र को देखना इस प्रकार से कि ये माउंट एक तो उभरा हुआ हो, एक दूसरी चीज़ इस पे ये लाइन हो, ये लाइन लाइफ लाइन में नहीं टच करे। जैसे ही ये लाइन अगर लाइफ लाइन में टच करेगी तो वही घर वालों के द्वारा इनको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। और शुक्र क्या होता है, आपके अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन को बताता है। अगर यहाँ पे गलती से आपको जाल इस प्रकार से दिख जाए, फिर तो आप समझ लो कि दूर ही रहो आप अपोजिट जेंडर से। अगर आप ज़्यादा घुलते मिलते हो, ज़्यादा पास जाते हो, तो यही आपको बहुत प्रॉब्लम करवा देगा, बदनामी देगा, तिल हो गया, धोखा पे धोखा मिलना। तो ये चीज़ है, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये चीज़ है कि नहीं है। कुछ लोग तो करते भी है, कुछ लोग नहीं करते हैं। और एक कमेंट आया था मेरे वीडियो पे कि 21वीं सदी में आप ऐसी बातें कर रहे हो, तो 21वीं सदी हो या कोई भी सदी हो, साइंस जब तक है तब तक ये सारी चीज़ें हैं। आप इस चीज़ को समझिए कि है क्या ये चीज़, है ना, ऐसे नहीं होता, अंधविश्वास नहीं है ये चीज़। हर चीज़ के पीछे हमारा धर्म ही है, हमारे धर्म में पूजा पाठ से लेके एक एक टोटका जो बताते हैं, हर चीज़ के पीछे साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जब आप उसको डीपली अध्ययन करेंगे तो समझ में आएगा कि ये चीज़ क्या है, समझे। तो ये चीज़ होता है, तो आप इस चीज़ को तो ना ही बोले कि 21वीं सदी में हो या फिर आप जो है ना 25वीं सदी में आ जाओ। 21वीं सदी में हो तभी तो इतने प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, इस चीज़ को नहीं मान रहे हो। अगर मानते तो इतना प्रॉब्लम होता ही नहीं, इतनी लाइफ जो है आपकी कम होती ही नहीं। आज के टाइम में जो आपके जीने का जो लाइफ है कितनी कम हो गई है, कितने बीमारियां आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, यही तो होता है कि हम 21वीं सदी में हैं। हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पे, तो ये चीज़ है ना। तो ये आपको शुक्र माउंट देखना पड़ेगा, ये दूसरा साइन हो गया जो कि आपको ये बहुत धनवान। देखिए अपनी अपनी डिजायर होते हैं लोगों के कि धनवान हमें किस लेवल का बनना है, कोई लाखपति भी खुश है, कोई करोड़पति भी खुश नहीं है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी बड़ी ड्रीम डिजायर आपकी है, ये चीज़ है। तीसरा जो आता है ना सूर्य रेखा, सूर्य रेखा जो कि यहाँ पे पाया जाता है। देखिए धनवान मैं बोल रही हूँ, और सूर्य क्या होता है, ग्रहों में आत्मा बोले जाते हैं, आपके पिता को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपकी सूर्य की फिंगर, ये सूर्य की फिंगर शनि के फिंगर के बराबर हो, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपकी सूर्य की फिंगर शनि के फिंगर के बराबर हो जाता है तो ऐसे जातक में ईगो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। एक तरह से आप कह सकते हैं खाना मत दो, बस इज्जत देते रहो, व्यक्ति खुश रहेगा, इस प्रकार से हो जाता है। तो ये सूर्य की फिंगर बड़ी हो और यहाँ पे निर्दोष एक सिंगल लाइन हो, ये भी बेस्ट बोला जाता है। ये लाइन जितनी नीचे जाएगी व्यक्ति उतनी ही अर्ली एज में सफल होगा। सफल, अमीर, धनवान, ये लोग का पैतृक संपत्ति जो है ना, पिता के द्वारा अर्जन किया हुआ संपत्ति, इससे लाभ उठाएगा। जिन भी व्यक्ति का इस प्रकार से यहाँ पे साफ सुथरी रेखा हो और कलर पिंक हो, हर हमेशा मैं बोलती हूँ कलर जरूर देखें, क्योंकि जब भी आप किसी का भी पाम रीड करते हैं तो सीधे पाम का सबसे पहले कलर देखते हैं कि कलर कैसा है पाम का। देखिए
सबसे बड़ा धन जो है ना स्वास्थ्य धन होता है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो मन अच्छा रहेगा, मन जब अच्छा रहेगा तो काम अच्छा करेंगे, काम जब अच्छा करेंगे तो उसका रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग आएगा, पॉजिटिव आएगा। जब रिजल्ट पॉजिटिव आएगा तो आप जिस मनसा से उस काम को किए वो मनसा आपकी पूरी होगी, तो ये धनवान अमीर ही कहलाते हैं ऐसे जातक। तो ये लॉजिक होता है, ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो आपको ये सूर्य रेखा देखना है, सूर्य रेखा साफ सुथरी हो, सिंगल लाइन हो, एकदम नीचे तक हो, लंबी हो, ये माउंट उबड़ा हुआ हो, फिंगर बड़ी हो, तो पैतृक संपत्ति से लाभ होता है ऐसे जातक। ऐसे जातक के पिता ही धनवान होते हैं और पिता की संपत्ति को ये लोग आगे कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं। अच्छा, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है शुक्र वलय, ये चौथा बता दिया मैंने, पांचवा हो गया आपका शुक्र वलय। शुक्र वलय क्या होता है? शुक्र वलय जो यहाँ से आप देखेंगे इस प्रकार से होता है, आपको शनि माउंट को शुक्र माउंट को इस प्रकार से आप देखेंगे हाथ में होता है शुक्र वलय। अगर आपका शुक्र माउंट अच्छा हो और शुक्र वलय हो, बिल्कुल निर्दोष शुक्र वलय हो, एकदम जैसे ये टूटी हुई नहीं, अक्सर हाथ में आप देखेंगे कि शुक्र वलय तो होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन वो जो है ना टूटा हुआ रहता है। जब टूटा हुआ शुक्र वलय होगा तो फिर वो फल नहीं दे पाएगा अपना, फिर निगेटिव फल देगा। देखो शुक्र क्या होता है, शुक्र आपके रोमांस का भी होता है, आपके सेक्सुअल लाइफ का भी शुक्र होता है। अगर ये टूट गया तो कहीं इसने कहीं इसमें दोष उत्पन्न हो गया तो व्यक्ति इस और ज़्यादा जाने लगता है, सेक्सुअलिटी की ओर ज़्यादा जाने लगेगा व्यक्ति, भोग विलास की ओर ज़्यादा जाने लगेगा और भोग विलास में इतना लिप्त हो जाएगा कि अपना संपत्ति का नाश कर लेगा। लेकिन वहीं पे यदि अगर शुक्र बहुत सुंदर शुक्र वलय हो, है ना, जिसको ग्रिडल ऑफ वीनस बोलते हैं, शुक्र वलय अच्छा हो और शुक्र माउंट बहुत अच्छा हो, तो व्यक्ति क्या करेगा, उस चीज़ का उपभोग करने के लिए एक अच्छा रास्ता चुनेगा। हर व्यक्ति के लाइफ में रोमांस होना चाहिए, हर व्यक्ति के लाइफ में प्लेजर होना चाहिए, हर व्यक्ति के लाइफ में हैप्पीनेस होना चाहिए, लेकिन तरीका सबका अलग अलग होता है। तो इस व्यक्ति का जिसका भी शुक्र वलय एकदम दोषयुक्त नहीं होगा, निर्दोष होगा और शुक्र का सपोर्ट मिलेगा, तो ऐसे व्यक्ति क्या करेंगे, बहुत अच्छा राइट रास्ता, बहुत अच्छा वे में जाके उस चीज़ को प्राप्त करेंगे। वहीं पे अगर निगेटिव हो जाए तो व्यक्ति में एक जिद्दी जुनूनी प्रवृत्ति आ जाता है, एक हटी टाइप में हो जाते हैं कि नहीं मुझे ये चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। खास करके ये लोग सेक्सुअलिटी के लिए और ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो आपको ये भी चेक करना पड़ेगा, जिनके भी हाथ में शुक्र वलय हो और शुक्र माउंट अच्छा हो, पिंक कलर हो, क्लियर हो, इट मीन्स ऐसे व्यक्ति धनवान व्यक्ति के श्रेणी में जरूर आते हैं। आप इनसे कभी भी मदद मांगो तो ये हमेशा आपको मदद भी करेंगे और इनके पास में पैसे की कमी होती ही नहीं है। तो ये रहा आपके कुछ 5 साइन जिसके बारे में मैं आज आपको बताना चाहती थी। यदि आपके हाथ में ये साइन है तो आप डेफिनेटली बनेंगे ही बनेंगे, बस आप मेहनत कीजिए। देखिए बिना मेहनत का, बिना कर्म का कुछ नहीं होता है। आप बोलेंगे आपने तो सारा कुछ बता दिया, फिर आप तो बोल रहे हो वही बात कि कर्म करो, तो हर व्यक्ति कर्म करता है, भगवान राम ने भी कर्म किए थे, है ना, और उनको भी सजा भुगतना पड़ा, तो वो तो भगवान ही थे, उनको क्या जरूरत था कर्म करने का, कृष्ण भगवान थे तो उनको क्या जरूरत थी। अब सबकी देखिए ना, जब अवतारों को कर्म करना पड़ा, उनको फल मिला, तो हम और आप क्या है, कर्म करते रहिए। और अगर ये साइन है तो पॉजिटिवली कर्म कीजिए, कर्म होता है ना पॉजिटिव वे में कीजिए, फल आपको जरूर मिलेगा। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल पे नए हैं तो शेयर कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।